क्या भाई मेरे जगह में आकर मेरा ही फार्म चुराता चोर कहीं के। अरे नहीं, मुझे मार दिया गेंगार ने। अब भाई साहब चुन चुन के बदला लूंगा, अब तुम में से कोई नहीं बचने वाला। एप्सोल तो गया, अब गेंगार कहाँ भागेगा। तू नहीं बच सकता अब। यहाँ पे जितना भी तू ड्रीम ईटर कर ले, कुछ भी कर ले, अब तू नहीं बचेगा। यहाँ पे एक स्पिरिट शक्ल गया, गेंगार भी गया। अब यहाँ पे सामने आई थिंक लुकारियो है, जो कि भाई साहब पुश करने की सोच रहा है, और भाई साहब पुश कर भी रहा है, और यार स्कोर पे स्कोर कर जा रहा है। यहाँ पे यूनाइट मूव दे देंगे, और यहाँ पे मैंने होपा और बाकी उनके टीममेट्स को बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया है। होपा बहुत ज़्यादा डैमेज था, एक स्पिरिट शकल से मार दिया। अब इस लुकारियो ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि यहाँ पे ये बिन बुलाए मेरे गोल जोन में आ गया था। गया केव टू स्ट्रीक भाई साहब। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज गाइस हम लोग खेलने जा रहे हैं पोकेमॉन यूनाइट वापस से। और भाई साहब आज जैसे कि आपको पता है कि मैंने दो दिन पहले एक कम्युनिटी पोस्ट दिया था, जिसमें कि मैंने बताया था कि आखिरकार हम लोग मास्टर्स पहुंच चुके हैं। यस गाइस, वो बात सच है कि हम लोग मास्टर्स पहुंच चुके हैं। और भाई साहब आज जो हम लोग गेम प्ले कर रहे हैं, ये कोई रैंक्ड मैच नहीं है। मैं मास्टर का ना मतलब जो पॉइंट होता है, मैं 1500 मतलब 1500 पॉइंट्स के लिए मेहनत कर रहा हूँ, रैंक पुश कर रहा हूँ, स्किल्स बढ़ा रहा हूँ, जिससे कि मैं आराम से रैंक पुश कर पाऊँ, क्योंकि और 45 डेज ही है बस बचे हुए सीजन एंड होने के लिए। तो भाई मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊँगा उतने थोड़े से टाइम में। बाकी जो भी हो यार, मास्टर पहुंच गए वो हमारे लिए बड़ी बात है बहुत ज़्यादा। और भाई साहब आज हम लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड मैच खेल रहे हैं, वो भी डेसिजॉय के साथ। वैसे अभी गेम प्ले की बात की जाए, मुझे अच्छा खासा फार्म भी नहीं मिला। ये फ्रोकी सारा का सारा फार्म लेकर, जंगल लेकर लेवल 5 का भी हो चुका है। बाय द वे यहाँ पे हमारे सामने है बॉटम लेन पर होपा और एप्सोल, तो एप्सोल थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा। और यहाँ पे सामने होपा है, हाँ वो भी लेवल 3 का, मैं भी हूँ। और हम भाई साहब आई थिंक वहाँ पे एप्सोल लेवल 5 का हो चुका है, बहुत जल्दी हो गया आई थिंक ये लेवल 5। ओके गाइस, बीज आ चुके, तो आई थिंक मैं बीज ले सकता हूँ। और यहाँ पे बीज ने लिया तो मैं लेवल अप कैसे हूँगा भाई। चलो होपा तो बिना लेवल अप कभी रह लेगा भाई। मैं एक अटैकर हूँ, टीम का अटैकर हूँ भाई, मुझे तो मतलब चाहिए ये जायंट भी। मैं स्टील करूँगा, स्टील करने वाला हूँ गाइस। मैं यहाँ पे लीफेज गया, स्टील कर लिया मैंने, और मैं 4.5 लेवल का हो चुका हूँ। एक और सामने जो मेरा फार्म है, इस वाले फार्म को लेने के बाद ना गाइस मैं लेवल 5 का हो जाऊंगा इजीली। और 8 मिनट भी नहीं, मतलब 2 मिनट भी नहीं होंगे मुझे लेवल 5 का हुए। तो भाई साहब अच्छा परफॉर्म अभी मैं कर रहा हूँ, मतलब अच्छा गेम चल रहा है। मतलब लेवल अप किल्स छोड़ो यार, शुरुआत में इतने किल्स कर क्या फ़ायदा, और इतने किल्स कर क्या फ़ायदा अगर तुम गेम ही हार जाओ। भाई साहब स्कोर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किल्स पे उतना भी ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये कोई बैटल रॉयल नहीं है कि भाई किल्स पर ध्यान दोगे। इस पोकेमॉन यूनाइट भाई, पोकेमॉन यूनाइट में भाई ज़्यादातर स्कोर ही मैटर करता है। और यहाँ पे गाइस हम लोग फुल डोमिनेट करने की ट्राई कर रहे हैं। हमारे साथ आ चुका है हमारा होपा, जादुई होपा, और यहाँ पे होपा और मचोक भी आ चुके हैं हमारे टीम में। तो सामने जंगल स्पॉन हो चुका है, तो मुझे जल्दी से जल्दी डेडना स्पॉन होने से पहले लेवल 7 का होना है। तो भाई साहब मुझे जल्दी से जल्दी इस फार्म को लेना पड़ेगा, इस सांड को, जिससे कि मैं थोड़ा सा लेवल अप हो जाऊं। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि यार मैं लेवल 7 का हो पाऊंगा, क्योंकि इस साइड के मतलब जंगल को तो मैंने मार दिया। ये वाला जो साइड है यहाँ जहाँ से मैं गया, उधर भी एक स्पॉन होता है, उसे शायद मेरे टीम के किसी पोकेमोन ने ले लिया है। तो भाई यहाँ पे आई थिंक मैं लेवल 7 का नहीं हो पाऊँगा। और एक थोड़ा सा मैं एक और कॉरफिश ले लूँ ना, मैं लेवल 7 का हो जाऊँगा। और यहाँ पे मेरे को सच्ची में इससे एलर्जी है भाई साहब। गेंगार आ चुका है, हॉन्टर बोलते हैं इसकी, ये उसकी सेकेंड इवोल्यूशन है भाई साहब, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब देखना ड्रीम ईटर करेगा ना, ये देखो भाई, भाई साहब हालत ख़राब कर दी, हालत तो पतली कर दी भाई। अब ये गेंगार बन चुका है, अब मुझे एलर्जी सी हो रही है पता नहीं क्यों। भाई साहब एक सेकंड में मार दिया यार। और यहाँ पे होपा भी रिस्क में है, क्योंकि सामने गेंगार है उसके। तो भाई साहब सामने तो देखो ड्रेडनो तो स्पॉन हो चुका है, और मुझे अभी तक नहीं पता चल रहा मैप से कैसे मैं पता लगाऊंगा कि यार सामने वाले जो बंदे हैं वो ड्रेडनो ले रहे हैं या फिर नहीं। मुझे लग रहा है वो ले रहे हैं, हाँ भाई ले भी लिया गेंगार ने, बहुत तुप्पी, बहुत बढ़िया भाई, हमारे टीम मेंबर क्या कर रहे हैं। चलो भाई मैं यहाँ पे, चलो मैं फेल हो गया लेने में, मैं लेवल अप हुआ ही नहीं था। तो भाई हमारे टीम के बंदे क्या कर रहे थे यार, थोड़ा सा स्टील नहीं कर सकते थे। अब मैं रिवेंज लूँगा,
एप्सोल को एक एरो से मार दिया, अब यहाँ पे गेंगार भाग रहे। अरे नहीं, बच गया बच गया बच गया गेंगार, अब तू नहीं बचेगा, अब तू नहीं बचेगा, जितनी भी कोशिश कर ले भाई। यहाँ पे गेंगार को भी मैंने मार दिया, और यहाँ पे सामने है लुकारियो, लुकारियो को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। यूनाइट मूव यूज़ करेंगे गाइज यहाँ पे। यूनाइट मूव वैसे भी उतना कुछ खास तो है नहीं डेसीजोए का, मैं बस उन्हें डराने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे भाई साहब एक एरो से होपा भी गया, अब यहाँ पे भाई साहब लुकारियो भागने की कोशिश कर रहा है, अब ये भी नहीं बचेगा देखना, मैं सभी का बदला लूँगा। ये भी गया भाई साहब KO टू स्ट्रीक, मज़ा ही आ गया भाई। क्या मतलब मैंने सभी का रिवेंज ले लिया भाई, और यहाँ पे गेंगार ने मुझे वापस से मार दिया। वैसे बहुत ज़्यादा खतरनाक, बहुत ज़्यादा ब्रोकन पोकेमॉन बन चुका है गेंगार अभी के टाइम पे, पूरे गेम में सबसे स्ट्रांगेस्ट पोकेमॉन गेंगार ही आई थिंक, मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि उसका ड्रीम ईटर प्लस शैडो बॉल वाला कॉम्बिनेशन मतलब खतरनाक है भाई साहब, कोई नहीं बचता। और भाई साहब यहाँ पे अजूमेरिल भी फार्म ले रही है, मतलब जंगल वगैरह ले रही है, वो तो लेवल 10 की है आई थिंक, मैं सबसे ज़्यादा लेवल का हूँ मेरे अपने टीम में। और यहाँ पे भाई साहब होपा ने अपना यूनाइट दे दिया, बहुत ख़तरनाक यूनाइट है भाई होपा का। भाई साहब कोई बचा लो यार इस गेंगार से, वो भाई साहब क्या बचा, यहाँ पे ये हाइपर स्पेस होल ना, हाइपर स्पेस होल की वजह से ही मैं बचा। अब यहाँ पे कोई इनमें से एक तो मरेगा, लुकारियो गया। अरे नहीं भाई, सेकंड में मार दिया, क्या ड्रीम ईटर देखा आपने, ड्रीम ईटर और शैडो बॉल ये सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन है, सच्ची में बता रहा हूँ, इतना खतरनाक मैं बोल भी नहीं सकता। और यहाँ पे देखो भाई माचैम के साथ भी बहुत बुरा हुआ, वो भी भाई सेकंड क्या मिली सेकंड के अंदर मरा, इतना फास्ट है भाई ड्रीम ईटर। अब गाइस यहाँ पे मुझे कुछ भी करके अपने स्पिरिट शकल से ड्रेडनॉट स्टील करना पड़ेगा, यहाँ पे स्टील करने की ट्राई करेंगे। ओहो मज़ा आ गया भाई साहब, क्या स्टील किया, सामने वाला गेंगार भी पछता रहा होगा मैंने शैडो बॉल से क्यों नहीं स्टील किया, भाई मैंने स्टील कर लिया उनका ड्रेडनॉट आखिरकार। इसे बोलते हैं ना चोर डेसीजोए, स्टीलर डेसीजोए, ओपी स्टीलर है भाई ये तो, मतलब इसका स्पिरिट शकल जो मूव है ये सबसे ओपी स्टीलर मूव है पूरे गेम में। अच्छा क्या चोरी किया हो ना, वो किया मैंने उनका ड्रेडनो, मज़ा ही आ गया। वो बेचारे सोच रहे होंगे हम तो इतना डोमिनेट कर रहे हैं, किल कुल कर रहे हैं, पर भाई ड्रेडनो इस डेसीजोए ने छुपके से भाई चोरी कर लिया। और यहाँ पे यार यहाँ पे सबसे पहले मुझे इस वाले गोल जोन का ध्यान रखना है जो कि बॉटम लेन की तरफ जाता है, क्योंकि इधर क्या हो सकता है भाई, वो पुश कर सकते हैं और भाई साहब स्कोर वगैरह भी कर सकते हैं। बाय द वे अगर देखा जाए ना ज़्यादा डोमिनेट हम ही कर रहे हैं, क्योंकि भाई मैं बस गेंगार को देख के जज कर रहा हूँ सामने वाले को। देखो उनके टीम में ना ये गेंगार ही सिर्फ और सिर्फ खतरनाक है, असल में कोई भी इतना खतरनाक नहीं है, क्योंकि भाई हमने ना उनके मतलब 3 गोल जोन डिस्ट्रॉय कर दिए हैं और उन्होंने अभी तक एक ही गोल जोन डिस्ट्रॉय किए हैं भाई साहब। सेकंड गोल जोन भी अभी तक उन्होंने डिस्ट्रॉय नहीं किया, मैं मतलब फाइनल स्ट्रेच भी आने वाला है, सेकंड गोल जोन भी वो हमारा डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए, तो हमने उनका थर्ड गोल जोन भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। और भाई साहब यहाँ पे आई थिंक हमें जंग फार्म लेना ही चाहिए, यहाँ पे नॉन स्टॉप फार्म लेते रहेंगे जिससे कि हम लोग लेवल अप हो जाए। मैं लेवल 13 का तो हो चुका हूँ, 13 का तो हो चुका हूँ, अब यहाँ पे और भी हज़ार जंगल स्पॉन हो गए, मतलब लेते ही जाएंगे, फार्म करते जाएंगे भाई जंगल। और भाई साहब यहाँ पे ये वाला पोकेमोन भी ले लेते हैं, 13.5 के भी मैं ऊपर हो गया और मेरे पास 49 स्कोर पड़े हुए हैं। और भाई साहब फार्म करने का एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आपको स्कोर मिलता रहता है, ये बहुत ओपी चीज़ है यार। बाय द वे गाइस यहाँ पे हम लोग अभी दूसरे गोल जोन में टेलीपोर्ट हो रहे हैं होपा के जादू से, और यहाँ पे यार जैपडोस भी आ चुका है, मुझे कुछ भी करके जैपडोस को स्पिरिट शकल या फिर अपने यूनाइट मूव से स्टील करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँ भाई इस बुश में, मुझे छुप के रहना पड़ेगा, जैसे सामने वाले बंदे आएंगे ना भाई स्टील करने या फिर जैपडोस लेने, मैं सीधा एक स्पिरिट शकल मारूंगा या फिर अपना यूनाइट मूव भी चला दूंगा, अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो सीधा स्टील कर लूँगा। बाय द वे हमारे तीनों टीममेट जैपडोस लेने में लगे हैं, देखते कौन आता है। भाई साहब गेंगार अपने यूनाइट मूव के साथ आ चुका है, यूनाइट मूव मारेंगे। ओ भाई साहब मज़ा आ गया यार, जैपडोस ले लिया हमने, स्टील भी कर लिया भाई, गेंगार फेल हो गया स्टील करने में, मज़ा आ गया यार भाई, लाइक ठोको यार इस स्टील के लिए। और भाई साहब गेंगार बेचारा क्या भाई, उसने उम्मीद की थी कि यार वो मैच को जीत जाएगा पक्का, इतना डोमिनेट कर रहा है, इतने किल कुल कर रहा है,
पर भाई सोच रहा होगा इस जैसी जो है नहीं सब कुछ बिगाड़ दिया। अब यहाँ पे क्या सिंह के ना हम लोग जंगल चुराते चुराते हम लोग यहाँ पे स्कोर करेंगे, क्योंकि इनके जो बाकी टीममेट्स हैं आई थिंक वो AFK हो चुके या फिर उन्होंने होप छोड़ ही दी, मतलब वो सोच रहे कि भाई मैच तो हार जाएंगे बेस के अंदर रहो। तो ऐसा हम क्या करेंगे, इनका फार्म मतलब इनका जंगल वगैरह चुरा कर यहाँ पे स्कोर करते रहेंगे, 11 का करेंगे, 5 का करेंगे, 1 का भी हो 1 का भी करेंगे, क्योंकि हमें डोमिनेट करना है, एटलीस्ट हमें 800 स्कोर के तो ऊपर जाना ही है। तो भाई साहब हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यार स्कोर फिश को लेते हुए मेरे पास 11 पॉइंट है, मैं मारूंगा 22 हो जाएगा ये, हाँ भाई 22। अब यहाँ पे बिचारा गेंगर अकेले अपने गोल जोन को प्रोटेक्ट कर रहा है, लिटरली प्रोटेक्ट कर भी नहीं पा रहा है, क्योंकि हम 3 बंदे हैं जो कि इसे गोल जोन में भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे गेंगर ने बेचारे ने अब जाके मुझे मारा, वरना भाई साहब मार ही नहीं पा रहा था भाई। और भाई साहब गेंगर ने तो रिवेंज ले लिया यार। और यहाँ पे मैच गाइज एंड हो चुका है, मैं रिजल्ट देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बाय द वे गाइज हमने बहुत ज़्यादा गंदा वाला डोमिनेट किया है, और गोल जोन को देखते हुए भाई हम ही जीतेंगे यहाँ पे, 100% गारंटीड है, क्योंकि पता भी चल रहा है। यहाँ पे स्कोर्स पर ध्यान देते हैं, 900+ स्कोर के साथ गाइज ये मैच हम लोग जीत चुके हैं, मज़ा ही आ गया भाई साहब। यहाँ पे क्या स्टील किया ना हमने, डेडनो वगैरह मतलब डेसीजॉय के साथ एकदम डोमिनेशन किया हमने। बाय द वे गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक कर देना, जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर देना। मिलते हैं एक और अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।